हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम एक बेसिक कैलकुलेशन से जानेंगे कि जन्माष्टमी व्रत कब है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मत बोलिए कि वो 23 को रख रहा है तो मैं 23 को रखूँगा, वो 24 को रख रहा है मैं तो 24 को रखूँगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि क्यों लोग 23 को रख रहे हैं और क्यों लोग 24 को रख रहे हैं। तो जो लोग सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, सूर्य सिद्धांत एक ऐसी कैलकुलेशन है जिससे तिथि की गणना करी जाती है, और ये जो हमारे प्राचीन जितने भी वैष्णव लोग हैं वो सूर्य सिद्धांत को ही फॉलो करते हैं, और ये सिद्धांत जो है हमारे शास्त्रों का है, और ये है शास्त्रों की कैलकुलेशन जिसको प्राचीन सारे वैष्णव लोग फॉलो करते हैं। दूसरी कैलकुलेशन है नासा बेस्ड कैलकुलेशन, तो हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, और इसको आप ऑनलाइन जो drikpanchang.com जो वेबसाइट है उसमें अगर आप जाके सूर्य सिद्धांत क्लिक करोगे ये सेम एज इट इज कैलकुलेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 23 तारीख को 3:02 पे सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है और साथ के साथ अष्टमी तिथि लग रही है, तो 23 तारीख को 3:02 पे अष्टमी तिथि आ गई। सूर्योदय कितने बजे है? अगर पूरे भारत का देखा जाए कहीं पे 5 होता है, कहीं पे 5:30, कहीं पे 6, तो सूर्य उदय का अगर एक अप्रोक्सीमेट टाइम देखा जाए 5 बजे के बाद ही सूर्य उदय है। तो आपका जो 23 तारीख को 3 बजे आपकी क्या लग रही है, सुबह के 3 बजे आपकी अष्टमी तिथि स्पर्श हो रही है जो आपके सूर्योदय से बहुत पहले है। सूर्योदय से पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले ही आपकी अष्टमी तिथि स्पर्श हो चुकी है, इसलिए 23 तारीख को अष्टमी तिथि है। 23 तारीख को कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी व्रत है, और जो रोहिणी नक्षत्र है उसी दिन 23 तारीख को रात को 11:54 पे, यानी कि 12 बजे से जब भगवान 23 तारीख को रात को 12 बजे जब भगवान जन्म लेंगे, उस जन्म से 6 मिनट पहले 11:54 पे ये रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। तो यानी कि 23 तारीख को जब रात को 12 बजेंगे तब अष्टमी तिथि भी होगी और रोहिणी नक्षत्र भी लगा होगा, तो 23 तारीख को ही भगवान की अष्टमी जन्माष्टमी जो वैष्णव लोग हैं उसको पालन करेंगे। इसलिए जितने भी साउथ इंडिया में, जो दक्षिण भारत में श्रीरंगम मंदिर है, वो आज तक सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि उनकी जो जन्माष्टमी है वो 23 तारीख को मनाई जा रही है। जगन्नाथपुरी में भी 23 तारीख को मनाई जा रही है क्योंकि वो लोग सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत के अंदर प्रायः लोग सूर्य सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, वो दृक पंचांग को फॉलो करते हैं जो कि नासा बेस्ड कैलकुलेशंस है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, अगर आप दृक सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो 23 तारीख को जो अष्टमी तिथि है वो सूर्योदय के बाद आ रही है, लगभग 8 बजे के बाद अष्टमी तिथि स्पर्श हो रही है, तो सूर्योदय के समय सप्तमी लग रही है, इसलिए जो दृक पंचांग को फॉलो करते हैं उनकी जो जन्माष्टमी है वो 24 तारीख को रख रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न होता है कि हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करें या दृक पंचांग को फॉलो करें। तो जो लोग साइंटिस्ट को ज़्यादा बिलीव करते हैं, नासा की कैलकुलेशंस पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वो लोग 25 को करें, लेकिन जो लोग हमारे पूर्व आचार्य वर्ग हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, पुराने मंदिर हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, जो सूर्य सिद्धांत में वो कैलकुलेशन है जो सूर्य देव ने दी है, तो जो देवताओं पे भरोसा रखते हैं, जिनको सूर्य देव पे ज्यादा भरोसा है ना कि साइंटिस्ट पे, वो लोग सूर्य सिद्धांत को फॉलो करके 23 तारीख को ही एकादशी रखेंगे। हम लोग नंदगांव में गए, वहां पे हमने पूछा आप लोग कब रख रहे हो, तो नंदगांव के जो पंडित लोग हैं बोले भाई हम तो गांव के गवार हैं, हम तो कुछ कैलकुलेशन जानते नहीं है। 15 तारीख को बलराम जी का जन्मदिन था, जिस दिन बलराम जी ने जन्म लिया था उसके ठीक 8 दिन के बाद, क्योंकि दाऊ जी से 8 दिन कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण मतलब दाऊ जी से 8 दिन छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं, तो ठीक बलराम जी के 8 दिन के बाद ही कृष्ण का जन्म होता है। तो जब 15 तारीख को था बलराम जी का जन्म, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो 23 तारीख को 8वां दिन हो गया जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए हम तो नंदगांव में 23 तारीख को ही कृष्ण का जन्म उत्सव बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर सूर्य सिद्धांत को फॉलो करें तो 23 को रखिए, और अगर आप बोलेंगे नहीं कि वो 24 को रख रहे हैं वो 23 को रख रहे हैं, तो सिंपल है, जो लोग 24 को रख रहे हैं वो सूर्य सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, वो आज की जो मॉडर्न कैलकुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत को फॉलो करने से अच्छा है, क्योंकि ये देवताओं द्वारा दिया गया है और वो असुरों द्वारा दिया गया है, वो आज के साइंटिस्ट ने दिया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।